पंजाब भर दे विच सिखां दे कौमी त्यौहार होले महल्ले दा त्यौहार पूरे जाहो जलाल दे नाल मनाया जांदा है। जिथे एक पासे श्री आनंदपुर साहब दी धरती ते इस होले महल्ले दा अलौकिक नजारा वेखण नूं मिलदा है, उते ही दूजे पासे सचखंड श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल इत्र दी होली खेडी जांदी है, जो अपनी ही एक अलग छाप छड्दा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सानू सारिआं नूं होले महल्ले का त्यौहार जिथे श्री आनंदपुर साहब की धरती से जाहो जलाल दे नाल मनाया जा रहा है, उते ही सचखंड श्री दरबार साहब दे विच भी देशों अते विदेशों तो श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल होला खेलन दे लई पहुँचते हैं। इस होले महल्ले के दौरान कई लोग इत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अखां दे विच पैण करके बहुत लोगों का नुकसान होंदा है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने लोगों नूं अपील की है कि जो होला महला ये खेडा जाता है, सिर्फ तो सिर्फ फुलां दे नाल खेडना चाहिए तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगे बोलते कहा कि उन्होंने बीते समय एक सूचना भी प्राप्त हुई सी कि इस होले महल्ले के दौरान एक नौजवान की अख दे विच इत्र पैण करके अखों की रोशनी भी चली गई सी। तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान का कहना है कि असी हर साल इस नूं लैके अलग उपराले करते हैं, इस बार भी तैयारियां जरूर कीतियां जा रही ने। जिन्हें खेलिया जाता ना, वो फुलों के ना खेलना चाहिए, लगता नहीं कि जो परफ्यूम जो बहुत बहुत चंगी गल आ, क्योंकि मैनू एक बार का चेता उत्थे महल्ले दे विच एक दी अखां भी खराब हो गई सी। सो आ जी फुलों वाली हो जाए तो मैं समझता तो बहुत होर भी वधिया आ। श्रोमणी कमेटी करेगी जी उपराला, क्योंकि ये क्या लिखा जा सकदा? देखो ये क्योंकि साडा असी रंग पाउण दी साडी है नहीं, क्योंकि ना साडी मर्यादा ही आ, साडी मर्यादा तो महला मनाउण दी आ। तो महला मनाउण दे विच फुल तो आम अक्सर जिले नगर कीर्तन निकलता आ, सारे कोल करते ही आ, क्योंकि दूसरे धर्म नाल भी संबंधित रखता आ, वो तो सीध लैणगे, पर साडे भी सिखां दे विच महल्ले वेले कई बार रंग पा देंदे आ। सो आपां भी यतन करांगे कि महला भाई खेडो इहनूं ते फुल्लां दी वरखा कर लो, जां होर अपना कोई हैगा उस हिसाब नाल चला लो इहनूं। अमृतसर तों मुकेश मेहरा दी रिपोर्ट। पूरे पंजाब भर दे विच सिखां दे कौमी त्यौहार होले महल्ले दा त्यौहार पूरे जाहो जलाल दे नाल मनाया जांदा है। जिथे एक पासे श्री आनंदपुर साहब दी धरती ते इस होले महल्ले दा अलौकिक नजारा वेखण नूं मिलदा है, उते ही दूजे पासे सचखंड श्री दरबार साहब श्री अकाल तख्त साहब ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल इत्र दी होली खेडी जांदी है, जो अपनी ही एक अलग छाप छड्दा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सानू सारिआं नूं होले महल्ले का त्यौहार जिथे श्री आनंदपुर साहब की धरती से जाहो जलाल दे नाल मनाया जा रहा है, उते ही सचखंड श्री दरबार साहब दे विच भी देशों अते विदेशों तो श्रद्धालु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल होला खेलन दे लई पहुँचते हैं। इस होले महल्ले के दौरान कई लोग इत्र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अखां दे विच पैण करके बहुत लोगों का नुकसान होंदा है। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने लोगों नूं अपील की है कि जो होला महला ये खेडा जाता है, सिर्फ तो सिर्फ फुलां दे नाल खेडना चाहिए तो किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने अगे बोलते कहा कि उन्होंने बीते समय एक सूचना भी प्राप्त हुई सी कि इस होले महल्ले के दौरान एक नौजवान की अख दे विच इत्र पैण करके अखों की रोशनी भी चली गई सी। तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान का कहना है कि असी हर साल इस नूं लैके अलग उपराले करते हैं, इस बार भी तैयारियां जरूर कीतियां जा रही ने। जिन्हें खेलिया जाता ना, वो फुलों के ना खेलना चाहिए, लगता नहीं कि जो परफ्यूम जो बहुत बहुत चंगी गल आ, क्योंकि मैनू एक बार का चेता उत्थे महल्ले दे विच एक दी अखां भी खराब हो गई सी। सो आ जी फुलों वाली हो जाए तो मैं समझता तो बहुत होर भी वधिया आ। श्रोमणी कमेटी करेगी जी उपराला, क्योंकि ये क्या लिखा जा सकदा? देखो ये क्योंकि साडा असी रंग पाउण दी साडी है नहीं, क्योंकि ना साडी मर्यादा ही आ, साडी मर्यादा तो महला मनाउण दी आ। ते महला मनाउण दे विच फुल तो आम अक्सर जिले नगर कीर्तन निकलता आ, सारे कोल करते ही आ, क्योंकि दूसरे धर्म नाल भी संबंधित रखता आ, वो तो सीध लैणगे, पर साडे भी सिखां दे विच महल्ले वेले कई बार रंग पा देंदे आ। सो आपां भी यतन करांगे कि महला भाई खेडो इहनूं ते फुल्लां दी वरखा कर लो, जां होर अपना कोई हैगा उस हिसाब नाल चला लो इहनूं। अमृतसर तों मुकेश मेहरा दी रिपोर्ट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ ਆਈਓਐਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ